व्हाट्सअप भाई बहनों बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग? तो चलो अब चिप्स के पैकेट खोलो, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दो और जॉइंट चैलेंज ला लो, क्योंकि अब एक लेकर आया है की चैलेंज के इंस्पिरेशन 42 टाइम्स ग्रामी नॉमिनेटेड रैपर ड्रेक की कहानी। तो चलो ड्रेक की कथा शुरू की जाए। ड्रेक यानी कि ऑबरी ड्रेक ग्राहम का जन्म October 24, 1986 में हुआ था। ही वाज बोर्न इनटू अ वेल्दी नेबरहुड ऑफ टोरंटो कनाडा, और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। ड्रेक के डैड डेनिस ग्राहम अफ्रीकन अमेरिकन कैथलिक है, बट उसकी मॉम व्हाइट ज्यूइश है। अब समझ में आया लड़के की खूबसूरती का राज। ड्रेक के पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया था व्हेन ही वाज जस्ट 5 इयर्स ओल्ड, और बायरेशियल होने की वजह से ड्रेक को अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी बुलिंग झेलनी पड़ी। बट ड्रेक ने एडमिट करा कि उसके म्यूजिकल करियर पर उसके बायरेशियल होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब म्यूजिक की बात हो रही है तो ये बता दूं कि ड्रेक की फैमिली का म्यूजिक सीन से बहुत पुराना याराना है। ड्रेक के डैड लेजेंडरी सिंगर जेरी ली लुइस के ड्रमर थे, और उनकी ग्रैंड मॉम ने लुई आर्मस्ट्रांग को बेबी सिट करा था। ड्रेक की मॉम ने उसको बचपन से ही बहुत सारी एक्टिविटीज में एनरोल करा रखा था। ही वाज प्लेइंग आइस हॉकी, एक्टिंग इन किड्स थिएटर, प्लेइंग बेसबॉल, गोइंग ऑन डे कैंप्स एंड व्हाट नॉट। बताइए तो जरा, एक ड्रेक का बचपना था और एक हमारा। साला वो आइस स्केटिंग, बेसबॉल, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और हम कपड़े धोने वाली थापी से वन टिप वन हैंड खेल रहे थे। ड्रेक वॉज अ काइंड ऑफ बच्चा जो क्लास में हमेशा सबको हंसाता रहता था। इन द ईयर 2001 जब वो 15 साल का था तो अपने क्लासमेट के डैड से मिला जो टीवी एजेंट थे, और उन्होंने ड्रेक को कैनेडियन टीनेज ड्रामा डिग्रासी द नेक्स्ट जनरेशन में जिमी ब्रुक्स का रोल दिया। ये रोल एक यंग बेसबॉल स्टार का था जो अपने क्लासमेट के गोली मारने के बाद परमानेंटली व्हील चेयर पर आ गया था। अब आप लोग अपने घुटने खुजलाकर ये सोच रहे होंगे कि एक्टिंग तो ठीक है बट रैप कहां से आ गया। उसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ड्रेक जब 14 साल का था तब उसके डैड को करीब 1 साल की जेल हो गई, और उनके डैड का सेलमेट एक 21-22 साल का प्रिजनर था। सेलमेट का कोई भी फैमिली मेंबर ना होने के कारण ड्रेक के डैड उसकी बातें ड्रेक से करवाने लगे, और वो ड्रेक के साथ अपने रैप शेयर करने लगा। ड्रेक ने इंटरव्यू में बताया दैट ही वाज द गाय हु इंट्रोड्यूस्ड ड्रेक प्रॉपर्ली टू द रैप वर्ल्ड। अब ये सब होने के बाद 2006 में ड्रेक ने अपना पहला मिक्स टेप रूम फॉर इम्प्रूवमेंट निकाला, जिसके अराउंड 6,000 कॉपीज सेल हुई। फिर 2007 में लड़के ने अपना दूसरा मिक्स टेप कमबैक सीजन निकाला। इसी मिक्स टेप में ड्रेक का पहला हिट सॉन्ग रिप्लेसमेंट गर्ल भी था। अब 2008 आ गया था और डिग्रासी के प्रोड्यूसर ने शो की कास्ट चेंज कर दी और ड्रेक को शो से निकाल दिया। कोई भी परमानेंट इनकम ना होने के कारण ड्रेक अपने एक्टिंग / सिंगिंग करियर को छोड़कर डे जॉब करने की सोच ही रहा था कि तब उसको लिल वेन का फोन आया। लिल वेन ने उसको अपने टूर आर्टर 3 को ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। अब एक साल तक लिल वेन के साथ टूर करने के बाद और कई सारे गाने प्रोड्यूस करने के बाद 2009 में ड्रेक ने अपना थर्ड मिक्स टेप सो फार गॉन निकाला, और ओ बॉय इसके सिंगल बेस्ट आई एवर हैड ने रैप इंडस्ट्री को हिला डाला। ये सॉन्ग 2 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ और बिलबोर्ड नंबर 2 की पोजीशन पर भी आया। और उसी साल यानी कि 2009 में ड्रेक ने लिल वेन के लेबल यंग मनी को $2 मिलियन में साइन करा। फिर 2010 में भाई ने थैंक मी लेटर एल्बम लॉन्च करी, जिसने बिलबोर्ड टॉप 200 के स्पॉट पर डेब्यू करा। फॉर दिस एल्बम ही कोलैबोरेटेड विद आर्टिस्ट लाइक अलीशा कीज, जेजी एंड टीआई। वैसे इतने कम टाइम में इतनी सारी पॉपुलैरिटी पाने का प्राइस भी पे करना पड़ता है। 2010 में रिहाना के साथ ओ ना 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 व्हाट्स माय नेम सॉन्ग करने के बाद भाई के रिहाना के बॉयफ्रेंड क्रिस ब्राउन के साथ 2012 में काफी भसड़ हो गई। और यही नहीं, अनदर रैपर टाइगर के साथ भी ड्रेक की 2013 में स्टार्ट हुई बीफ काफी सालों तक चली। फिर 2015 में अनदर रैपर मीक मिल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि ड्रेक खुद राइटर्स यूज करता है अपने सॉन्ग्स लिखवाने के लिए, जिसके रिप्लाई में ड्रेक ने 2 डिस सॉन्ग भी निकाले। और फिर बड़े सारे मैटर हुए पिछले 8 साल में, बट हु केयर्स, लड़का 2019 में अपने सॉन्ग गॉड्स प्लान के लिए बेस्ट रैप सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रामी ले गया। अब जब अवार्ड्स की बात हो ही रही है तो एक चीज और बता दूं, ड्रेक को आज तक 532 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करा गया है, जिसमें से वो 123 अवार्ड जीता है, विच इंक्लूड्स 4 ग्रामी अवार्ड्स आउट ऑफ हिज 42 ग्रामी नॉमिनेशंस। वाह, जितने मेरे घर में बर्तन नहीं उससे ज्यादा तो भाई के पास अवार्ड भरे पड़े हैं, बहुत उम्दा। चलो अब जब सब बात हो ही गई है तो जरा एक बार तुम्हें ड्रेक के बेस्ट सॉन्ग टिल डेट भी सुना देता हूँ। Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever. God's plan, God's plan. I can't do this on my. Jumpman, let me tell you something. Beyonce dancer. Man, where your ass was at when we took the city over? Where your ass was at when all that ass. I know when that hotline blink. That can only mean one thing. And I say, hell yeah, hell yeah, hell yeah. Fucking right.
सो भाई लोग, ये थी ऑपरेट ड्रेक ग्राहम के ड्रेक बनने की कहानी। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। देखो, सब्सक्राइब करना फैट फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और इको फ्रेंडली है। और बेस्ट चीज तो ये है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तुम्हें एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा यार सब्सक्राइब करने के लिए। देखो, हमारे यहाँ तो अगर फ्री में जहर भी मिलता है तो लोग उसकी पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रख लेते हैं कि कहाँ पड़ोसी को देने के काम आ जाए। और आप हमारे समाज कल्याणकारी कार्य में फ्री में सब्सक्राइब करके हाथ भी नहीं बटा रहे हो, तो चलिए घंटी वाला बटन दबाइए और हमें सब्सक्राइब करिए। वरना याद रखिएगा, कर्म इज ए बिल्ली। चलो अब जाते आते तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलता हूँ। ड्रेक को स्विमिंग पूल्स का हमेशा से बहुत ज्यादा शौक था। बैक इन द ईयर 2007 ड्रेक ने इंटरनेट से वन ऑफ द क्रेजीस्ट स्विमिंग पूल सर्च करके उसको अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर बनाया था। और जैसा कि शाहरुख खान साहब ने कहा है कि अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऑन द सिमिलर थॉट, 2012 में ड्रेक ने लॉस एंजल्स में वही मैंशन खरीदा जिसके स्विमिंग पूल की पिक 2007 में उसकी पीसी की वॉलपेपर थी। भाई ने ये मैंशन $8 million में खरीदा एंड द पूल इज इक्विप्ड विद 80-foot लॉन्ग वाटर स्लाइड एंड अपेरेंटली ड्रेक हैज द बिगेस्ट रेसिडेंशियल पूल ऑन द प्लैनेट ऑफ फेम।